रसायन के अध्ययन में हम लोग सीख पा रहे थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और इसके अंतर्गत मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना यानी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके पूर्व हमने द्विविमी निविड़ संकुलित संरचना के बारे में जाना था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है, आप जाके वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट में हमने अपलोड किया है। और आज की इस वीडियो में मित्रों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे त्रिविमी निविड़ संकुलन संरचना। अब ये त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना है क्या? और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। दरअसल मित्रों जो एक विमी था, देखिए ये जो निविड़ संकुलित संरचना है ये तीन प्रकार के थे, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी। एक विमी एक प्रकार का, ये भी हमने सब पर वीडियो बनाया है, एक विमी एक प्रकार का, द्विविमी दो प्रकार का, और त्रिविमी तीन प्रकार का होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिविमी तीन प्रकार का, कौन कौन से है ये तीन प्रकार, अगर हम आपको दिखा सके समझा सके, ये है त्रिविमी यानी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे ये दूसरा है और ये रहा आपका तीसरा। तो इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मित्रों। ये जो है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे हम लोग इंग्लिश में 3D स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिएगा आप, SC 3D स्क्वायर, राइट, यहाँ पे SC आप लगा दीजिएगा, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहाँ आप करिएगा स्क्वायर, ठीक, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये है क्या? त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना में पहली पंक्ति विमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, जो पहली पंक्ति होते द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना होता है, इसके ऊपर दूसरी पंक्ति को इन्हीं गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित करके जेड अक्ष में ले जाते हैं, तो इस प्रकार से 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। मित्रों अगर हम आपको समझा सकें तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ क्या कहा गया, त्रिविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना में, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना त्रिविमी की है, त्रिविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना में पहली पंक्ति यानी द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना होती, यानी इसमें मित्रों जो पहली पंक्ति थी वो द्विविमी में थी, इस पर हमने वीडियो बनाया। जैसे द्विविमी का मतलब यह होता है मित्रों, हमारे पास कई छोटे छोटे गोले हों, ऐसे 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 क्या करें अरेंजमेंट कर दें, तो ये पहली पंक्ति 2D में होगी, राइट। और जब 3D बनाना होगा तो इसी के ऊपर अब हम गोलों को रखना शुरू कर देंगे। ये देखिए इसमें जो लाइनिंग है दो, एक ये देख पा रहे हैं जो नीली कलर का है ये नीचे वाला है, ठीक, और इसके जो ऊपर वाला है ये ब्लैक कलर से आप देख पा रहे हैं ये, फिर नीचे लाइनिंग जो है नीली वाली है, ऊपर इसके ब्लैक कलर, यानी नीचे एक बॉल रखा है इसके ऊपर एक बॉल, ठीक, राइट भाई, XY ये द्विविमी हो गया। अब जब हम XY एक्सिस में था ही, अब जब हम गोलों को इसके ऊपर रखना शुरू कर दिए मित्रों, यानी इसके ऊपर हम सेटअप करना शुरू कर दिए, तो XY के साथ साथ अब जेड में भी आ रहा है, यही तो यहाँ पर कहा गया, गोलों के इनके ठीक ऊपर व्यवस्थित करके जेड अक्ष में भी ले जाते हैं, इस प्रकार के 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है, राइट। अच्छा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बताइए, अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये देखिए, एक गोला नीचे है एक गोला ऊपर, और एक गोला उसके नीचे, एक गोला आपके ऊपर होगा एक गोला आपकी तरफ होगा। भाई अगर हम 3D पिक्चर बनाए गोलों को, तो एक गोले के नीचे भाई एक गोला बीच में है, उसके नीचे एक गोला, उसके ऊपर एक गोला, उसके फ्रंट में गोला, उसके बैक में गोला, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, कुल कितने हुए, एक नीचे एक ऊपर, दो फ्रंट बैक, कितना, चार, लेफ्ट राइट। तो इसका जो मित्रों नियरेस्ट नेबर निकल के आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के आता है इसका, वो कुल निकल के आएगा 6, राइट, कितना निकल के आएगा मित्रों 6। और ऐसी जो पैकिंग बनती है 3D स्क्वायर पैकिंग बनती है, जरा हम आपको NCERT से अगर समझा सकें, ये देखिए मित्रों ये जो आप पैकिंग देख पा रहे हैं ना ये 3D पिक्चर है, राइट, ये त्रिविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना त्रिविमी वर्ग निविड़ संकुलित संरचना है, राइट, ये 3D पिक्चर है। अब इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं 3D हेक्सागोनल, यहाँ पर देखिए 3D खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना यानी 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है? 3D खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, जब गोलों के मध्य चतुष्फल की रिक्तियाँ प्राप्त होती है तो उसे त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना, त्रिविमी खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो बनाया गया है क्रम, अगर इसे हम आपको यहाँ पर ऐसे समझा सके, देखिए मित्रों
इसे आप इस स्ट्रक्चर को आप क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ इस कागज में हम बनाएंगे, दिखाएंगे आपको, देखिए बना कैसे है। ये देखिए स्ट्रक्चर को हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर बना के। अब देखिए यहाँ पर ये हमने गोलों को पहले ऐसे बैठा दिया, राइट। ये बताइए मित्रों, ये 2D हेक्सागोनल वाले पैकिंग है, कैसी पैकिंग है 2D हेक्सागोनल। उसमें देखिए दो गोला नीचे था, एक गोला इसके ऊपर इसके अवनमनों और गड्ढों में था, राइट। तो पहले हम 2D पैकिंग बनाएंगे, 2D स्क्वायर। अब इस पर देखिए 3D पैकिंग हम कैसे बना रहे हैं। देखिए मित्रों ये बताइए, ये एक मतलब कि ये देखिए एक दो तीन गोला है। अब इसके नीचे एक गोला होगा, इसके ऊपर तो इसके नीचे इसके ऊपर एक गोला ये जो बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं चार गोलों से मिलकर जो रिक्तियाँ बनाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फल की रिक्तियाँ। इसके अंदर जो वॉइड स्पेस होगा ना वो हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहेंगे मित्रों, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, राइट। इसके अंदर जो स्पेस होगा उसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, यानी टेट्राहेड्रल मित्रों मतलब क्या है, चतुष्फल की रिक्तियाँ, ठीक। अगर छह गोलों से मिलकर बनाए रिक्तियाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, यानी ये अष्टफल की रिक्तियाँ हो गया। अगर हम आपको NCERT में समझा सके मित्रों, तो यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा ये। अब चलिए यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए ये यहाँ पर ये बना है, ये देखिए एक दो तीन, तीसरा गोला ये, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं एक दो तीन, इसके नीचे एक वर्ड है, ये जो येलो कलर का आप देख पा रहे हैं ना, इसके नीचे वाला गोला है, ठीक। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर वाला गोला है। इस प्रकार से मित्रों जो एक नीचे गोला है, एक ऊपर और तीन ये, इसके अंदर जो ये वर्ड है, स्पेस है ना, ये चतुष्फल की रिक्ति है, राइट। अच्छा अगर छह गोले मिलकर ये बना देंगे रिक्ति को, तो अष्टफल की रिक्तियाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक दो तीन, अब इसके ऊपर देखिए गोलों को इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया, तो ये जो स्पेस वर्ड बना ये अष्टफल की रिक्तियाँ। और ये सब मित्रों जो है ना ये 3D पिक्चर में होगी, राइट। ये अष्टफल की, और ये देखिए चार गोलों से मिलकर जो रिक्तियाँ बने चतुष्फल की रिक्तियाँ, राइट। ये देखिए चतुष्फल की रिक्तियाँ और ये अष्टफल की। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए बनाया गया, ये यहाँ ये देखिए चतुष्फल की रिक्ति है और ये क्या है, अष्टफल की रिक्ति है, राइट। आप भाई ये बताइए, अरेंजमेंट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ उठाएंगे ये, फिर यहाँ से यहाँ ये, राइट। तो इस प्रकार से ये बनेगा, और ये अगर बनाना चाहेंगे तो ये यहाँ से ये सेटअप करेंगे तो ये वाला बनेगा, राइट। और जो हमने आपको बताया मित्रों, जो अष्टफल की रिक्ति है वो हम आपको यहाँ 3D CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, छः गोलों से मिलकर जो मतलब रिक्तियाँ बनती है ऑक्टाहेड्रल चतुष्फल की रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यहाँ पर अष्टफल की रिक्तियाँ, राइट। ये जो मित्रों स्पेस होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्तियाँ। यहाँ देखिए छह गोलों से मिलकर ऑक्टाहेड्रल चतुष्फल की रिक्तियाँ बनाती हैं। तो यहाँ छह गोले क्या हैं, ये तीन गोले आप देख पा रहे हैं, ये जो हैं नीले कलर के हैं, ठीक, और पैरेट कलर के, ब्लैक कलर के मित्रों आप देख पा रहे हैं, तीन गोले ये हैं। कुल छह गोले मिलकर ये जो मिडिल पाथ में स्पेस यानी जो रिक्तियाँ बनाते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अष्टफल की रिक्तियाँ, और इसे क्या कहते हैं, 3D CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये क्या है, 3D HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। तो मित्रों इस वीडियो में हम लोग त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में सीख पाएँ, और इसके बाद वीडियो में हम लोग जानेंगे ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में, ठीक। ठोसों में अपूर्णता क्या होती है, तो यहाँ पर जरा आप देख लीजिए, ठोसों में जो अपूर्णता क्या होती है, किसे कहते हैं। यद्यपि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था के साथ साथ दीर्घ परासी व्यवस्था में भी अरेंजमेंट होते हैं, फिर भी इन्हें कुछ रिक्तियां बची होती हैं, इन्हें ठोसों में पूर्णताएं कहते हैं। इसके बाद आता है बिंदु दोष। बिंदु दोष तीन प्रकार के, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइको, अशुद्धि दोष। और स्टाइकियोमेट्री दोष में मित्रों आपका क्या आता है, यहाँ पर देखिए स्टाइकियोमेट्री में कैटायन और एनायन का रेशियो देखिए 100 का 100 रहेगा, नहीं चेंज होगा। और नॉन स्टाइकियोमेट्री में बदल जाएगा, कैटायन का रेशियो अगर 99 हो गया तो एनायन का 100 है, कैटायन का अगर 100 होगा तो एनायन का बदल जाएगा। तो ये स्टाइकियोमेट्री नॉन स्टाइकियोमेट्री है, और इसके अंतर्गत आपका आएगा रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, फ्रेंकल दोष, राइट। तो इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमने मित्रों प्लेलिस्ट में सारे के सारे
लगभग वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।